द बिगेस्ट पावरफुल बिजनेसमैन, सबसे बड़ी पावर जो होती है वो श्री राम, जय जय राम, जय बजरंगबली जी महाराज, जय हो आपकी। सुबह के बजे जी 2:40, वही टाइम है कल वाली, और 2008 वही जाएंगी कल वाली साइड पे। लेकिन सब लोगों को खींच रखा है मैंने फ़ोन करके, शाम को ही बोल दी 6:30 बजे लगेगी तो लगेगी, ना तो फिर हमारे को जरूरत नहीं है, वही इतने रख के मका खींच दिया शाम को ही। और चलते हैं जी, भागते हैं, 3500 दुकान पे लगेंगी, स्टॉक पे नहीं जाएंगे। शुरू करते हैं जी, भागते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, जय हो आपकी। स्टार्ट करके बाहर निकालते हैं जी। सोने पद 18 दिल्ली 45 खरगोदा 1 खोलना वायरस जी, क्या खड़ा है केस यहाँ लगाए हैं, बड़ी मुश्किल से सेट नहीं लगी, रोड़े पड़े अग। रस्सी खोल रहे हैं, लगे हुए हैं, बंगा टेढ़ा लगा रखा ट्रैक्टर, पत्थर अड़ गया पैर के नीचे, इसलिए टेढ़ा हो गया, लगे ही नहीं बढ़िया तरीके से, लगे ही नहीं, लगे हुए हैं। हाँ बस उड़ चब मार ली, तीन राखी। और यहाँ पे दूसरा ट्रैक्टर उतार अपना टाइल है, बल भाई सब खड़े हैं। इस रोड का तो ये बुरा हाल है भाई, बस आने शुरू हो गई, हटवा दिया देखो, हटा के फिर दोबारा लगाएंगे। जहाँ पे 2000 जाएंगे ना, वहाँ पे बनेगी झुग्गी, पहले सबसे पहले झुग्गी बनाएंगे, लेबर और मिस्त्री वहाँ पे रहेंगे, फिर बनेगा वहाँ पे प्लॉट, देख जाके ही पता लगेगा कि कितना बड़ा प्लॉट है, क्या बनेगा वहाँ पे, बनेगा तो मकान वैसे पता नहीं, फिर फैक्ट्री फुक्ट्री या फिर लंबा चौड़ा मकान बनेगा, प्लॉट है खाली, उसमें 2000 उतार के आएंगे, उनके झुग्गी बना के फिर वहाँ पे हमारे को साइड का पता लग जाएगा, फिर वहाँ पे जाना शुरू हो जाएंगे, चक्कर सुबह सुबह जाते ही लगेगा, रहेंगे काफ़ी लंबी चौड़ी साइड ही चलेगी, जाके ही पता चलेगा। जो भी 20 से 30 साल के भाई, जो बच्चे हैं 20 से 30 साल के बच्चे, तो क्या हैं 20 साल का लड़का आज जवान बढ़िया तरीके से हो जाता है, तो भाई भागो दौड़ो, 30 साल की उम्र तक खींच दो, अगर 20 साल के हो तो आज आप 30 साल की उम्र तक खींच दो, इतना पैसा हो जाएगा बेअंत। हमारे को तो खैर पता नहीं था भाई कि भाई 20 साल से यहाँ तक आ गए, पता ही नहीं था कि भाई ऐसे यही उम्र है जो कमाने की है, इसके बाद में कोई उम्र नहीं है कमाने की, 35-40 साल लग, फिर वही पैसा आपको इतने पैसे कमा के देगा जो 20 से 30 साल तक आपने पैसा कमाया। आज भी अगर 28 साल के हो गए हो तो 2-4 साल 5 साल ऐसे खींच दो कि भाई नोटों के बंडल, ठीक है नहीं भाई, यही बता रहा हूँ बस, यही उम्र है, भागो दौड़ो, नींद तो भाई आएगी नहीं इस उम्र में, 20 से 30 साल की उम्र तक तो नींद आएगी नहीं बिल्कुल भी, 30 साल के बाद में अगर नींद आनी भी शुरू हो जाएगी, फिर पैसा आपने जो कमाया होगा उसको देखकर फिर नींद नहीं आएगी आपको। बिजनेस करो, नौकरी मत करो भाई, मैं तो बिलीव नहीं करता नौकरी में, कहीं पर भी हो नौकरी किसी की भी करो तो वो भाई गुलामी का हिसाब होगा मेरे हिसाब से तो, लेकिन अगर पैसे के बंडल, बड़े बड़े बंडल कमाने हैं ना, तो फिर बिजनेस करना ही पड़ेगा और भागना पड़ेगा आपको 20 से 30 साल तक, 10 साल ज़िंदगी के ऐसे खींच दो बस, फिर सारी उम्र आपको कमाने की ज़रूरत नहीं है, वही पैसा आपको कमा के देता रहेगा, फिर सिर्फ आपको दिमाग से काम लेना है और भाग दौड़ अब कर लो 20 से 30 साल तक। राकेश मेरे को देख रहा है लगातार, यहाँ पर उतरने लग रही है, आई ना समझ में बात, नहीं आई तो इंस्टाग्राम पे वॉइस कॉल कर लेना, बता दूंगा सारी चीज़ें क्या से क्या होती है। आने के चक्कर में ही बम्बे पे फंस गया ट्रैक्टर, बुरी हालत हो गई। अरे गिनती तसल्ली तो डालियो, गिनती करके अपने अपने जोड़े गिन लियो, दोनों धारियां में उतार ली संतोष,
ले भाई 500 मिनट डालने के लिए आ गए, ट्रॉली भी फंस रही है अपनी और निकल भी जाएगी अब तो। सो जोड़े तू डाल दे और 75-75 जोड़े हम दोनों डाल दियो। देख लो बीच के मैं फंस गया, आ गए अगर काटूं तो जट्ठा गिरेगा। ले भाई फट्टी ले आया और डाल दिए सी करके, ट्रॉली खोल के फिर निकाल देंगे। अभी तो ये हिल नहीं रहा, खोल के फिर काट देंगे। अभी ट्रैक्टर निकाल दिया, चौंतरा सा बिछा लो, चौंतरा सा चौंतरा सा बिछा ले। देख संतोष यहाँ पे भी, अरे यहाँ पे भी दोनों टायर ऊंचे हो जाएंगे ना, फिर गिल्ले लिकट जाएगी। तो बम्बा पूरा टायर के लग गया ना, गिरते गिरते फटाफट ये पैर सा हटा लो हटा दे। पूरा गमा साना खा गया, निकल दो भाई, ये चट्ठे का थोड़ी सी लग गई, चट्ठा गिर गया। गली देख लो कितनी बड़ी है, सारी बात का नाश हो गया। बस इधर से कुछ आ तो दे, बस क्या पूछोगे, प्लॉट बनाया भाई पूरा। ले बेटे पानी पियो पहला। एक हजार इस तरफ तारी है, एक हजार इस तरफ कितनी हुई है, 32 इंट कम, 32 इंट कम होगी जी आज। फिर चलो चलते हैं जी, खाली होगी, 10 बजने में 20 मिनट बाकी है। आधा घंटा तो हो गया फंसे हुए, वही है नांगलोई से राजधानी पार्क से और मुंडा का तक है बस। बहुत कड़ी मशक्कत के बाद जी पहुंचे, 2 मिनट का रास्ता रह गया DL1 का, जहाँ पे एक दो बार आपने देखा ही होगा पहले, वहाँ पे खड़ा हूँ। रास्ता है ये भट्ठे का DL1 का। तो जी सुबह देख लो, ट्रैक्टर कितना ही बड़ा हो, जब ट्रैक्टर धस जाए ना, फंस जाए, धस जाए, कुछ भी हो जाए, फिर ट्रैक्टर निकलने वाला नहीं है। और संतोष कह रहे हैं कि भैया ट्रैक्टर बुला लो, ये बुला लो, वो बुला लो, JCB बुला लो या फिर हाइड्रा बुला लो, कुछ भी बुला लो और ट्रैक्टर निकाल लो। वहाँ पे 1.5 घंटा घुड़ते रहे, लेकिन मेरे को तो पता था क्योंकि ट्रॉली खोल के ही निकलेगा, एक साइड से उतारी 2-2.5 घंटे में कम से कम 3500 ईंटें उतरी, क्योंकि इधर झोंक था और परली तरफ ऊँचा था और चट्ठा भी 3 धारी लगाई थी उन्होंने पहले, फिर आधी चौथी लगा रखी थी और वहाँ पर फिर उन्हीं में लगानी पड़गी 4000, लेकिन फिर 3500 लगानी पड़ी, नहीं 3500 लगानी थी, 3500 लगानी पड़ी, 500 ईंटें उसमें गाड़ी आ गई, पिकअप में डाल दी बुलेरो में। फिर संतोष कह रहा है ट्रैक्टर बुला लो, ये बुला लो, मखा भाई मेरे को पता है तू बस 10 मिनट मखा मेरा साथ दे दे और गडोची लगवा के खलवा दे ट्रैक्टर को, ट्रॉली को। फिर उसने खलवा दी, फिर मेरे को तो पता था, फिर मैंने जैसे तैसे करके लिफ्ट की फट्टी है जो मैं संदीप भाई साहब से मांग के ले आया और निकल गया। मखा भाई संतोष कह रहे भैया मान गया मैं, ट्रैक्टर निकल गया कैसे है, मैं तो मानने वाला है ही नहीं था, क्योंकि खंबा जो ये छोटा टायर है अपना ये वाला, ये तो उसमें मतलब यहाँ पे खंबा पड़ा था, इसको अगर निकालो था ट्रैक्टर तो फंसा हुआ नहीं था, अगर ये खंबा वो बम्बा बीच में नहीं होता पाइप, तो फिर अगर इसके ऊपर चढ़ाऊँ तो टायर फटेगा, अगर और चढ़ भी गया टायर तो ऊपर उठेगा ट्रैक्टर, गुल्ला टूट जाएगा। तो उसके बाद में फिर संतोष कह रहे भाई मान गया भैया, मगर भाई एक्सपीरियंस की बात है बस। फिर कह रहा मखा भाई एक फ़ोन पे साधन सारे आ जाएंगे बिल्डर के, कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं थी, मखा साधन बुलाने हो तो मैं बुला लूँगा, लेकिन फिर मेरे को पता था कि भाई ट्रैक्टर ऐसे ही निकलेंगे, और फिर जैसे मैंने सोचा था उसके हिसाब से ही ट्रैक्टर निकला। मखा भाई मेरे को पता है ट्रैक्टर की वो ट्रॉली गडौची खोलते ही ट्रैक्टर सीधा हो जाएगा, ट्रैक्टर अकेला मैंने इंटो के ऊपर से निकाल के बैक करके बाद में फिर ट्रॉली को लिफ्ट से उठा के परली तरफ सीधा कर दिया, और सीधा कराने के बाद में फिर ट्रैक्टर को ऊपर इंटो पे चढ़ाया और फिर सीधा जोड़ के फिर एकदम से बैक हो गया, क्योंकि चट्ठा नहीं गिरने देना था, अगर चट्ठा गिरने गिर गया होता तो फिर लगाना पड़ता दोबारा से, तो इसीलिए फिर ट्रैक्टर खोलना पड़ा। अगर चट्ठा गिरने की सोचता कि भाई चट्ठा गिर जाने दे ट्रैक्टर निकाल दे, फिर चट्ठा गिर जाता सारा बिखर जाता और लगाने में आधा घंटा पौना घंटा 1 घंटा और लग जाता,
फिर मैं चट्ठा नहीं गिरने देना, वही ट्रैक्टर खोल ले। फट्टी है हमारे पास में, फट्टी का बस यही काम है, ट्रैक्टर फंस जाए तब फट्टी काम आती है, नहीं तो आपको नुकसान पहुँचाएगी फट्टी। तो फिर निकालने खोल के तो जी पहुँचे DL1 पे, भरेंगे जाते ही। अब ट्रैक्टर तो बहुत सारे आ गए थे, फिर मैं खाना पैक करवा के लेके आया, अब जाते ही खाऊंगा। मगर भाई नंबर तो बहुत सारे सबके लगी गए होंगे, और एक आधा ट्रैक्टर रह रहा होगा, तो वो खिलाते जब उनके होटल पे बैठ के खाते हैं तो टाइम लगाते हैं। यहाँ पे एक नया होटल है, और अगर पैकिंग करवा ले तो पैकिंग जल्दी करते हैं। फिर मैं हाँ भाई कह रहे पाँच मिनट में पैकिंग हो जाएगी, और बहुत सारे लोग खाने वाले बैठे थे, ड्राइवर गाड़ियों वाले। तो चलते हैं जी भट्टे की तरफ। लो भाई चट्ठे 1, 2, 3 और 4 चौथा लगाने लग रहे हैं, सारे चट्ठे बढ़िया निकल रहे हुए। आज देखेंगे फिर कौन से मिल गए के भरेंगे अपने वाला। 3 बजने में 1.5 घंटे का फर्क है, अब देख लो 12 घंटे हो गए, 12 घंटे में से 1.5 घंटा निकाल दो, 10.5 घंटे हो गए ट्रैक्टर पे चले हुए। जब हम सुबह कमरे से चले थे, खाना खाएंगे जी फिर सोऊंगा, 1:30 बजा हुआ है। देखें अपने आप लगा लेंगे, खैर घंटे बढ़िया निकली हुई हैं बाहर। 5 बजे लग गई है, लगाई ले रहा है। मैं आया खुद उठ के कितना गैप हो गया वहां से, 1, 2, 3, 4, 5 गट्टी होगी, खाली 5 गट्टी। जी 3 धारी लगी। द बिगेस्ट पावरफुल बिजनेसमैन, सबसे बड़ी पावर जो होती है वो होता है बिजनेस। बंदे के अंदर माइंड कितना काम करता है वो बिजनेस उसका बंदे का बताता है, कोई भी हो। भट्ठे बिजनेस के बारे में बता देता हूँ। अब भट्ठा बिजनेस आपने 1 जगह लगा रखा है या फिर 10 जगह लगा रखा है, वो आपका माइंड बताता है। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो आपने 1 जगह चीज़ फोकस कर ली, 1 जगह ही माइंड अपना सेट कर लिया, आपने 1 भट्ठा लगा लिया जहाँ पे वहाँ पे लगा के आप शांत हो गए। बिजनेस का सबसे बड़ा रोल यही है कि आपने 1 जगह अपना सेटलमेंट कर लिया भट्ठा, उसको वहाँ पे चलने दो, बंदों को संभलवा दो। आपके नीचे एजेंट होने चाहिए, मुंशी होने चाहिए, बढ़िया पावरफुल आप हो, आपके माइंड के हिसाब से आपका जो पूरा प्रोसेस है वो चलेगा। आपने यहाँ पे 1 भट्ठा लगा दिया, सक्सेस हो गया, ठीक है अब आगे भागो। NCR के बाहर 2 भट्ठे 1 जगह लगा दिए, 2 भट्ठे 1 जगह लगा दिए, सक्सेस जहाँ पे जो चीज़ सक्सेस होती जाए उसको छोड़ते चलो। बिजनेस का ये शुरू से ही हिसाब है, जहाँ पे 1 चीज़ सक्सेस होगी वहाँ उसको छोड़ो, लोगों को संभलवाओ, नौकर रखो, कुछ भी रखो, पार्टनर रखो। पार्टनर तो चलो भी मैं बिलीव नहीं करता पार्टनर में, तो पार्टनर तो रखना ही होता बिजनेस में, कभी भी मार खानी पड़ती है बिजनेस में अगर पार्टनर आपने रखा है तो। 1 जगह सक्सेस हो गए, 2 जगह लगा दो, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 10 जगह, 20 जगह, 50 जगह, जितना भी आपका माइंड काम करता है। अगर कोई भाई देख रहा है, कोई भाई बिजनेसमैन है ऑलरेडी, कोई भाई बनना चाहता है, तो भाई 1 जगह अपना फोकस करो पहले, उस चीज़ को 1 साल दो, 2 साल दो, 4 साल दो, उस चीज़ को अपना कामयाब करो, तो फिर 10, 20, 30, 50 जगह अपना जो है बिजनेस बढ़ाओ, करो, फैक्ट्री लगाओ, ईंट भट्ठा लगाओ, कुछ भी लगाओ। जहाँ पे सक्सेस हो गया उसको छोड़ दो, लोगों को संभलवा दो, और फिर भागो वहाँ से, निकलो। गाड़ी आपके पास हो ना हो, बाइक हो, कुछ भी हो, आपको भागना पड़ेगा। फ्लाइट से जाओ, ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, किसी भी तरीके से ट्रैवल करो और भागो। चीज़ों के बारे में सर्च करो, कोई भी प्रोडक्ट हो गया, नई नई चीज़ों में। एक बिजनेस में आपको नहीं रहना है, अगर भट्ठा लगा दिया, 2 लगा दिए, 10 लगा दिए, 10 भट्ठे लगा दिए, तो 11वां काम आपको चेंज करना है। अगर हाँ आपकी ज़्यादा ही हॉबी इसी बिजनेस में है तो ठीक है, फिर उनको 20, 30, 50 भी कर लो। तो उसके बावजूद जो दूसरा साइड बिजनेस होगा आपका, उसके अंदर भी आपको पहले नॉलेज, उसको टाइम देना पड़ेगा,
उसको अच्छे तरीके से सर्च करो, अच्छे तरीके से उसके बारे में जो चीज़ें हैं उनको सर्वाइव करो, फिर दूसरे तीसरे चौथे पांचवे बिजनेस में आप इन्वॉल्व हो जाओ, और जो दूसरा बिजनेस सक्सेस हो गया फिर उसको छोड़ दो, वहाँ पे भी बंदे फिक्स करो और निकलो वहाँ से। तो बिज़नेस की हर तरीके की रूल है, और हर तरीके का आपका माइंड सेट होता है कि आपने कहाँ तक कितना माइंड सेट किया। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे अब हम सभी बेचने के लिए आए हैं। कुछ भी प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दिया, कुछ भी बना दिया, तो आपने वो बेचना ही पड़ेगा। अगर आपको अच्छे से मार्केटिंग आती है तो एक चीज़ आपको सस्ती देनी पड़ रही है, एक चीज़ आपको महंगी देनी पड़ रही है। अगर दो बिज़नेस में आप काम कर रहे हो तो एक बिज़नेस में आपको अगर ग्रोइंग नहीं मिल रही है क्योंकि वो सस्ता प्रोडक्ट आप दे रहे हो, सस्ता आप एक साल तक दे दो बंदे को, फिर उसमें ऐसी क्वालिटी आप पैदा करो, ऐसी ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसमें उसकी जो क्वालिटी क्वांटिटी जो भी है वो 101% होनी चाहिए। कोई भी आपने प्रोडक्ट बना रखा, वैसे तो हम ईंट में ही बिलीव करते क्योंकि हमारा ईंट का बिजनेस है, लेकिन मैं नहीं कर रहा, दूसरे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। आप लोग सोचते ही होंगे कि भाई हमारे को हिदायत दे रहा, हमारे को नॉलेज दे रहा कि भाई, लेकिन एक थोड़ा सा बजट होता है आपका अपना और जो आपके आसपास लोग होते हैं, ठीक है जी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपके पास में लोग कैसे हैं। अगर आपके पास लोग किसी भी चीज़ को मतलब नीचे गिराने वाले लोग कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं होगा, उन लोगों से बहुत बहुत दूर रहना पड़ेगा, अकेले आपको करना ही पड़ेगा सब कुछ। मैं सोचता रहता हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन मैं कर नहीं पाता क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो बजट होता है वो हाथ में हो या फिर हाथ से बाहर हो, तो उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। अभी तो थोड़ा सा स्लोली हम जो है धीरे धीरे ही कर रहे हैं सब कुछ। दाल रोटी का प्रोग्राम अभी चल रहा है, लेकिन चलो वो एक सीक्रेट की बात है। आपके पास, मेरे पास, हम यहाँ पे सब कुछ, कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे बेचने के लिए आए हैं। पहले बताया मैंने, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसको बेचना, मार्केटिंग करना आपको सही तरीके से आनी चाहिए। अगर आपको मार्केटिंग सही तरीके से नहीं करनी आती है तो आप फिर बिज़नेस ग्रो नहीं कर सकते। आपको मार्केटिंग आनी चाहिए, बस उसके हिसाब से आपको आपके प्रोडक्ट की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमारा प्रोडक्ट किस हिसाब से बिकेगा, किस हिसाब की हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू है, और जिस बंदे को हमारे अपने प्रोडक्ट की वैल्यू पता लगी कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है इतने रुपए का है, इतनी कीमत है, इतनी वैल्यू है, और टाइम के हिसाब से भी रेट चलते हैं। जो बंदा अपने खिलौने, जो टोकरी में, पहले कहावत है, एक टोकरी में 5 साल में अपने खिलौने बेच के चला गया, वो फेल हो गया। वो आपके अंदर माइंड सेट आपका दम है कि आपने अपनी जो टोकरी के खिलौने हैं वो 50 साल में बेचे हैं। जिस दिन आप अपने टोकरी के खिलौने 50 साल में बेचने शुरू कर दोगे, आप उस दिन पावरफुल आदमी बन जाओगे, बिजनेसमैन बन जाओगे। लेकिन जो बंदा 5 साल में 2 साल में बेच के भाग गया, वो मैं नहीं मानता उसको। भट्टा लाइन की सुन लो, भट्टा लाइन की ऐसी ही चीज़ें हैं बिजनेस की। जिस बंदे को बिजनेस समझ में आ गया वो इससे बाहर निकलेगा ही नहीं। इसमें इतने प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट नहीं, इतनी जो अपनी फैक्ट्री है, जो भट्ठे को फैक्ट्री मान लो, इतने लगा देगा, 10 लगा देगा, 20 लगा देगा, 50 लगा देगा, अगर बंदा पूरी नॉलेज के हिसाब से अपने भट्ठे का सिस्टम जो पूरा समझ गया। लोगों को संभलवा देते हैं, चलते रहते हैं, 1, 2, 5, 10 जितने भी लगाने हो वो लगा देते हैं, जिनके साथ, जिनको पता होता है बिजनेस की हर चीज़ का। उसके बाद में कोई भी, मैंने मेरे साथ 10 साल से मैं एक बंदे को देख रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने अपने 6 से 7 भट्ठे कर लिए। किस हिसाब से कर लिए, माइंड सेट था। और जो भी अपना माइंड सेट होता है वो अपने ही अंदर लोगों को समझाने समझने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो हो रहा है वो सही हो रहा है, जो आपके माइंड के हिसाब से हो रहा है वो सही है, जो दूसरे बंदे के माइंड के हिसाब से आपका बिजनेस होगा वो आपके हिसाब से नहीं है, वो फेल है। लेकिन जब आपके हिसाब से आपका जो भट्ठा है वो आपके हिसाब से फ़ोन पर ही ऑपरेट होने लग जाए, तो उस बिज़नेस को वहीं पे उन्होंने छोड़ दिया, जो जिनकी बात मैं कर रहा हूँ।
ठीक है जी। उन्होंने छोड़ा, 10 साल में 7 भट्ठे कर दिए मेरे सामने देखते देखते, और 10 भट्ठों पे 10 साल कम से कम उन्होंने घाटे खाए हैं। और अब वो बंदा पावरफुल आदमी है, और भाई वो बंदा सबसे बड़ी बात बिजनेसमैन की होती है, वो फॉर्चुनर, ओडी, मर्सिडीज, किसी भी बेंज में नहीं आता। वो स्विफ्ट में भी आ सकते हैं, वो छोटी सी एल्टो में भी आ सकते हैं, वो किसी भी छोटी सी गाड़ी में आपको पता नहीं चलेगा कि भाई आपके पास से करोड़पति आदमी जा रहा है। तो वो एक सिंपल बिजनेसमैन का एक सिंपल सा माइंड होता है, सिंपल सा तरीका होता है, लेकिन बिजनेसमैन जो बंदा होगा आपको पता नहीं लगेगा कि भाई वो कितना पावरफुल आदमी है। बिजनेस के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको, जिस भाई को समझ में आ गई तो लाइक करके जाना है, शेयर करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। जिस भाई को और थोड़ी सी इससे अपग्रेड जानकारी के लिए विक्की सी मार बाता इंस्टाग्राम पे आपको जाना पड़ेगा, वॉइस कॉल करो, उसमें नंबर छोड़ो, मैं अपने तरीके से अपने हिसाब से बात करूँगा आपसे, ठीक है जी। पेंट के बारे में, भट्ठे के बारे में आपको मैंने नॉलेज दे दी है, आपके समझ में आए तो घुस जाओ। और जो 20 से 30 साल की उम्र है, बस यही उम्र है मेरी भी, 1 साल 30 साल में होने में रहेगी, 1 साल का 6 महीने ही रहेगी, और अभी 2-4-5 साल ऐसे हैं, उसके हिसाब में हमारे को ऐसे काम करने पड़ेंगे जो ग्रो वाला सिस्टम है, नहीं तो फैल के फैलूँ, और ऐसे ही फिर जैसे आए थे तो ऐसे ही जाना पड़ेगा, ठीक है जी। बिजनेस में घुसो जितना जल्दी हो सकता है, नौकरी कर रहे हो उसके साथ में एक चीज़ और इन्वॉल्व करो अपने अंदर, वो एक चीज़ हो रहा है बिजनेस की। हमारे जो दो बंदे होते हैं वो कल आपसे बात करेंगे उस चीज़ के बारे में, वो बहुत अच्छी बात है, वो आपके समझ में आएगी, ठीक है जी। बादल देख लो, पूरा व्यू देख लो, पूरा व्यू, मैं इधर आ गया चलते चलते मतलब एक तो कंप्लीट हो गया, अपने वाले में लगे हुए हैं। ले भाई रस्सा मारते मारती भेजिए राम जी ने, श्री राम जय जय राम। बैठ ले चलते हैं, चलते हैं दफ्तर तक चलेंगे पहले। पहुंचे जी कमरे में सही सलामत, आज की पूरी दिनचर्या कामयाब होगी तो जी सुबह का 1 बजे का चक्कर है, तो कैसे लगे वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना, शूट करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंग बली जय महाराज, एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।